लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आ चुकी है, ऐसे में राजनीति भी गरमाने लग गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा है और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बस्तर से सांसद प्रत्याशी कवासी लखमा को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी की तरफ से दबाव बनाया गया तो वो राजनांदगांव भाग चले गए। इसके बाद जब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने उनके ऊपर बयान देते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए उन्हें कभी राजनांदगांव की याद नहीं आई और अब चुनाव के चलते वो राजनांदगांव में आए हैं, तो उनके चूल्हे हिल गए हैं। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूँगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मन से ही कहा, वैष्णव ने मन से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने, कि आपको अब फुर्सत मिली है, इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहा, तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। इसी दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कवासी लखमा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कवासी लखमा ने अपने बयान से बस्तर की जनता का अपमान किया है, ये अब दुल्हा दुल्हन में उतर आए हैं, इन कांग्रेसियों के अंदर सेवा की कोई भावना नहीं है। लखमा अपनी निश्चित हार को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कवासी लखमा जो कि बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दुल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों को सेवा का एक माध्यम मानती है, कवासी लखमा की सोच आप देखिए, वो दूल्हा और दुल्हन पे उतर आए, मतलब सेवा का भाव इन कांग्रेसियों में कहीं नहीं है। अपने निश्चित हार को देख के मुझको लगता है कि कवासी लखमा का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़ रहे हैं सुरमई टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ रायन पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।